के बाद सबसे बड़ा हक इंसानों के ऊपर वालदैन का है, इसलिए कि असल क्रिएटर वो है, असल सस्टेनर वो है, लेकिन जरिया तखलीक वालदैन बने हैं। वालदैन के नुतफे ही से तो वालदा के रहम के अंदर आपकी जिंदगी का, आपके वजूद का आगाज हुआ है। फिर वालदा ने आपको अपने खून से, आपने उसका खून चूसा है, एक बहुत बड़ी जूंक की तरह जो है पेट के अंदर वो बच्चा जो है मां का खून चूस रहा है और उसी से पल बढ़ रहा है। फिर यह कि 9 महीने तक उसने अपने पेट में रखा है, फिर जो वगा वजे हमल हुआ है किस कदर तकलीफ और शिद्दत की कैफियत के साथ हुआ है, फिर उसने अपने खून ही की तवानाई है जो दूध की शक्ल में तुम्हारी गिजा के तौर पर तुम्हें फुलाई है, तो उनका हक जो है तमाम इंसानों में फाइक, जुमला मखलूकात में फाइक तर हक है वालिदैन का। वह वसैन इंसान अब वालिदै, और हमने वालिदैन के बारे में इंसान को वसीयत की। यह वसीयत दर हकीकत फितरत इंसानी के अंदर मौजूद है, वालिदैन के साथ ये हुस्न सुलूक फितरत इंसानी के अंदर मौजूद है। वो शुक्र का जज्बा जो है, मैंने तो आपसे अर्ज किया, सबसे पहले तो वालिदैन ही से मुंसलिक होता है, वालिदैन ही उसके प्रोटेक्टर हैं। बच्चे को कई किसी तरफ से खौफ होता है, भागता है, दौड़कर माँ की छाती से चिपट जाता है, गोद में दाखिल हो गया, वो समझता है कि मैं तो किले के अंदर आ गया। चाहे ये कि कोई दरिंदा सिफत, कोई सिख है, कोई और है, कोई यहूदी है, वो उस बच्चे को खींचता है माँ की गोद में से उठाकर और उछालता है और किसी नेजे के अंदर पिरो देता है, ये दूसरी बात है। लेकिन बच्चा अपनी माँ की गोद में पहुँच कर ये समझता है कि मैं तो तिले के अंदर आ गया हूँ, महफूज हो गया हूँ, लिहाजा उसका जज्बा तशक्कर पूरा वालिदैन के साथ के साथ, इसको बरकरार रहना चाहिए ये जज्बा तशक्कर। और इसमें ख़ास तौर पर यही वजह है, कुरान मजीद में आप देखेंगे कि ये 4-5 मकामात ऐसे हैं, सूरह बकरा में भी है, सूरह निसा में भी है, सूरह अनआम में है, सूरह बनी इसराइल में है, कि वालिदैन का हक अल्लाह के हक के फौरन बाद, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह वबिल वालिदैन इहसाना, और तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम नहीं बंदगी करोगे, परस्तिश करोगे किसी की सिवाय अल्लाह के, और वालिदैन के साथ नेक सुलूक, यानी अल्लाह के जिक्र के फौरन साथ जुड़ा हुआ, जैसे यहां है अनिश्कुर ली वाले वाले देख, शुक्र करो मेरा। देखिए अल्लाह को अपना हक जिताने में कोई हया नहीं है, कोई शर्म नहीं है, अल्लाह ने अपना हक, करो मेरा शुक्र। अनिश्कुर ली, क्रिएटर मैं हूं, तुम्हारी माँ के दिल में ममता मैंने डाली है, तुम्हारे बाप के शफकत जो है वो जो मेरी उसके दिल में थी तुम्हारे लिए वो मैंने पैदा की थी, तो असल क्रिएटर और सस्टेनर तो मैं हूं, मेरा शुक्र। और यहां पहले अपने शुक्र का जिक्र किया, हालांकि यहां जिक्र हो रहा है वालदैन का, वह वसैन इंसान अब वालदे, हमने जिक्र, हमने वसीयत की इंसान को वालदैन के बारे में, लेकिन उसका इख्तिताम जो हो रहा है अनिश्कुर ली, शुक्र करो मेरा, वाले वालदे और अपने वालदैन का, इलैयल मसीर, बिल आखिर तो मेरी ही तरफ लौट कर आ जाना है, तुम भी आ जाओगे, तुम्हारे वालदैन भी आ जाएंगे। लेकिन यहां नोट कीजिए, वालदैन में से वालदा के हक को फाइज करार दिया गया, हमलत होम वह वाहन अला वाहन, उसे उठाए रखा उसकी माँ ने कमजोरी पर कमजोरी झेल कर, जाहिर बात है नकात होती है औरत के अंदर, जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया था, एक जूक है जो उसका खून चूस रही है मुसलसल, उसको कब उसको नकात हो रही है कि नहीं हो रही, वाहन अला वाहन, कमजोरी पर कमजोरी, जोफ पर जोफ झेलते हुए उसने उसे उठाए रखा, हमलत उम्मुहु वहनन अला वहन व फिसालुहु फी आमैन, और फिर दूध का छुड़ाना हुआ 2 साल में, नॉर्मल जो है रजाअत का हक। आजकल तो बहरहाल अब दोबारा तवज्जो हो रही है और साइंसिक जो है जो इक्तिशाफात हैं उनसे भी कि ये ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये बहुत बेहतर है, ये बॉटल फीडिंग जो है ये चाहे कितना अच्छे से अच्छा दूध हो, माँ के दूध का बदल कोई नहीं, व फिसालुहु फी आमैन, और उसका दूध छुड़ाना 2 सालों में अनिश्कुरली। इसीलिए हदीस में आता है कि एक सहाबी ने हुजूर से पूछा कि हुजूर मेरे हुस्ने सुलूक का अव्वलीन मुस्तहिक कौन है, आपने फरमाया तुम्हारी वालिदा, उन्होंने फिर पूछा उनके बाद कौन, फिर फरमाया तुम्हारी वालिदा, फिर पूछा उनके बाद कौन, फिर फरमाया तुम्हारी वालिदा, चौथी मरतबा पूछा फिर कौन, तो फरमाया तुम्हारे वालिद।
یعنی والد کے حقوق والدہ کے حقوق سے تہائی ہے، یا یوں کہیے کہ والدہ کے حقوق والد کے حقوق سے تین گنا ہے. اور یہ بات اس لیے کہ واقعتاً جو مشقت ماں جھیلتی ہے باپ کی نہیں ہوتی. رات کو بھی ماں جاگتی ہے بالعموم، وہ باپ کو تو چاہتی ہے کہ سویا رہے، اسے کل جا کے کام کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے یا کچھ اور کرنا ہے، بچہ رو رہا ہے، تو وہ ماں جو ہے وہ اپنی نیند حرام کرے گی، کوشش کرے گی کہ باپ کی نیند میں خلل نہ آئے. یہ سارا جو ہے بوجھ جو ہے اٹھایا ہے ماں نے، جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی. سب سے زیادہ جو عمل دخل ہے انسان کی پرورش میں وہ تو والدہ کا ہے، لہذا والدہ کے حقوق جو ہے، اور اس میں ذرا ایک توازن ہے. قانونی اعتبار سے اولاد والد کی ہے، اگر سیپریشن ہو جائے گی والد کو جائے گی، نام والد کا چلے گا، فلاں ابن فلاں، ماں کا نام نہیں چلے گا امریکہ کی طرح آج کل، اس لیے کہ وہاں تو باپ کا اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ ہے کون. اکثر اولاد جو ہے وہ حرام زادی ہے، لہذا پتہ کیا کہ باپ کون ہے، بغیر کسی شادی کے اولادیں ہو رہی ہیں. وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میرڈ، وی آر لیونگ ٹوگیدر، اور لیونگ ٹوگیدر میں بچے بھی ہو رہے ہیں. کوئی لیگل ان کے درمیان جو ہے وہ رشتہ نہیں ہے، وہ میاں بیوی نہیں ہے، اونلی وی آر لیونگ ٹوگیدر. بہرحال تو والدہ کے حقوق جو ہیں، قانونی حق والد کا فائق ہے، لیکن اخلاقی حق والدہ کا بہت درجے فائق. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ تو ماؤں کے پاؤں تلے ہے، یہ باپ کے پاؤں تلے نہیں کہا ہے. تو یہ بیلنس ہے، دنیاوی نظام چلانے کے لیے باپ کا معاملہ، وہ ہیڈ آف دی فیملی ہے، الرجال قوامون علی النساء، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک اخلاق کا، حسن سلوک کا، ادب کا، لحاظ کا تعلق ہے، ماں کا حق تین گنا فائدہ ہے.